हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो होने वाली है बहुत मजेदार, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर, और वो भी होने वाले हैं ₹200 के अंदर अंदर ही। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी हमें कुछ अफोर्डेबल मेकअप किट बताइए। अफोर्डेबल किट के लिए मुझे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी एक सीरीज टाइप बना ली जाए, जिसमें मैं आपको एक अफोर्डेबल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बताऊंगी अंडर 200, अंडर 300, 400, ठीक है। उसके बाद मैं आपके साथ पूरी कलेक्शन शेयर करूंगी कि कौन से प्रोडक्ट्स आप अपनी किट में रख सकते हो। आपको इससे क्या हो जाएगा कि एक वीडियो नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगी, जिसमें आपको बहुत अलग अलग आइडियाज मिल जाएंगे कि 200 की कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, 300 की कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा प्रोडक्ट्स को परचेज करना, और अपनी किट में आप इसको रख सकते हो, ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही अफोर्डेबल वाली, वो है ₹200 के अंदर वाले प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ही बढ़िया और ट्राइड एंड टेस्टेड वाले प्रोडक्ट्स हैं, और मैं उनको खुद भी यूज करती हूँ। मुझे लगता है मैं इनको कम से कम मैं गिनती से बता भी नहीं सकती मैं कितनी बार इनको यूज कर चुकी हूँ। और यस, चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो क्या करना है, लाइक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं रैंडम स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे लगता है कि अंडर ₹200 में बहुत मजे से अच्छे से फिट करता है, वो है ये लैशेस। मुझे पता है आजकल लड़कियों को लैशेस लगाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। अगर आप सिंपल से सिंपल मेकअप लुक भी कर लेते हो ना, तो भी अगर आप लैशेस लगाते हो आपका मेकअप एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। तो आप ये वाली ले सकते हो, स्विस ब्यूटी की आई लैशेस। आप इसमें कोई भी वेरियंट ले लीजिए, लाइट से लाइट वाला भी ले सकते हो, आप बहुत ज्यादा ड्रामेटिक वाले लैशेस भी खरीद सकते हो। मैं इनको कम से कम मुझे लगता है 20 times यूज कर चुकी हूँ, और आप देख सकते हो अभी तक एज इट इज पड़ी है। इनका क्वालिटी इतना ज्यादा अच्छा है ना, बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप लगाने के बाद जो इसके ऊपर ग्लू होती है ना, वो आप अच्छे से निकाल दो, इनको क्लीन आप प्रॉपरली कर लो, और उसके बाद आपको इसी केस के अंदर ही अगर आप रखेंगे ना, तो आप बहुत बार इसको यूज कर सकते हो। मुझे लगता है 50 times आप यूज कर सकते हो अगर आप इसको बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे इसका। तो मैं ऑलरेडी इसको 20 times तो मुझे लगता है आराम से यूज कर चुकी हूँ, और ये मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। मुझे लगता है कि ये 200 के बजट में बहुत अच्छे से फिट बैठेगी। नेक्स्ट मैं प्रोडक्ट जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, मुझे लगता है अंडर ₹200 में बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, वो है गाइस ये मार्स की आई शेडो पैलेट। ये है मार्स आई बिलोंग टू पर्स आई शेडो पैलेट। इसमें आपको 3 variants मिल जाते हैं, आप इनकी मार्स की वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। इनफैक्ट ये अगर 250 या 240 इतने की भी अगर है ना, तो उस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने मार्स के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स या तो कफ्स एंड लैशेस से परचेज किए, या फिर मैंने इनको मार्स की वेबसाइट से ही ऑर्डर किया था। तो गाइस मुझे ये इतना अच्छा लगा ना प्रोडक्ट, मतलब मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। मतलब किसी हाई एंड जैसे कि मेकअप रेवोल्यूशन जो कि 1000, 1500, 2000 की रेंज की जो आई शेडो पैलेट आती है ना, ये उसको टक्कर दे सकती है, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। बाहर से क्वालिटी बहुत अच्छी है, अंदर आपको फुल साइज मिरर मिल जाता है, और आपको अंदर बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, मैट भी मिलते हैं, शिमर्स भी मिलते हैं। तो आप इसमें डेफिनेटली मुझे लगता है इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया पैलेट है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब मेरे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है गाइज, वो है एक फाउंडेशन, जो कि मुझे लगता है कि अंडर ₹200 में इससे बेस्ट फाउंडेशन मुझे नहीं लगता मिलेगी। ये है गाइज इनसाइट की अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन फाउंडेशन। ये आपको ड्रॉप के साथ मिलती है इस तरह से, और यूज करनी बहुत आसान है। आप चाहे तो इसको, अगर आप बहुत लाइट कवरेज चाहते हो ना, लाइक डेली यूज करने के लिए, तो आप इसको फाउंडेशन को अपनी मॉइस्चराइजर में मिक्स करके भी लगा सकते हो, और इसमें आपको काफी सारे शेड्स मिल जाते हैं। मेरे पास जो शेड है वो है 04। अगर आप मेरी स्किन टोन के आसपास हो ना, तो आप 04 शेड आराम से यूज कर सकते हो। आप चाहे तो वैसे भी यूज कर लो, और ये बहुत ही लाइट है, स्किन के ऊपर ना फील ही नहीं होती कि आपने लगाई हुई है, ठीक है। और इसका जो आप किसी भी स्किन टाइप के हो, ड्राई हो या फिर कॉम्बिनेशन हो, ऑयली, आपको बहुत अच्छे से सूट करेगी। अंडर बजट है, फुल कवरेज तो आपको ये नहीं देगी, लेकिन मीडियम कवरेज आपको आराम से देगी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी कवरेज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, और क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है ये ₹200 के बजट में बहुत अच्छे से फिट बैठती है। तो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अंडर ₹200, वो है NYB का प्राइमर। अगर अभी तक आपने इसको नहीं ट्राई किया ना, तो अभी तक मुझे लगता है बजट फ्रेंडली प्राइमर अभी तक बेस्ट मुझे लगता है यही रहा है। अगर आपको ₹200 के आसपास कोई भी प्राइमर चाहिए ना, आप ये वाला ट्राई जरूर कीजिए। ये भी किसी हाई एंड प्राइमर से कम नहीं है, ये बिल्कुल सेम क्वालिटी है। जैसे कलर बार का आता है वो 800-900 रुपए का मिलेगा, लेकिन ये आपको आराम से ₹200 का मिल जाएगा। ये इसकी पैकेजिंग छोटी है, 15 grams है, लेकिन ये काफी ज्यादा चल जाता है, आपके पोर्स को बहुत अच्छे से
ब्लर आउट कर देता है मेकअप बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा आता है इसके ऊपर मेकअप। और मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, ये मेरी सेकंड ट्यूब थी और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास आपके लिए है वो है एक क्रीम हाइलाइटर। यस 200 रुपीज में आपको बहुत ही बढ़िया वाला हाइलाइटर मैं आपको बताऊंगी गाइस, वो है इनसाइड ब्रांड का। ये है इनसाइड का इंस्टा रेडी एल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोडक्ट आई हैव एवर ट्राइड। पहली बात तो ये कि मैंने इस तरह का कोई भी स्टिक वाला हाइलाइटर कभी ट्राई किया नहीं था, ये मेरी फर्स्ट परचेज थी और मुझे इतना पसंद आ गया है ना ये, मतलब इसका क्वालिटी इतना अच्छा है, इतना अमेजिंग है, बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। और इसमें आपको इतने सारे कलर्स, मुझे लगता है 7 to 8 शेड्स हैं, आप नायका पे चेक करिएगा, इतने प्यारे प्यारे शेड्स हैं। जो मेरे पास शेड है ना ये बहुत ही ज्यादा प्यारा शेड है, लाइक इसमें ना हल्का सा पीची पिंक कलर है विद गोल्डन अंडरटोन वाला है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है मुझे लगता है। और ये हर स्किन टोन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रिटी लगेगा, आप इसको ट्राई कर सकते हो। और मेरे पास जो शेड है, अगर आप मुझे पूछोगे कि ये शेड कौन सा है, ये है रोज गोल्ड 02 नंबर, और मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ। मुझे लगता है 200 रुपीज के बजट में बेस्ट हाईलाइटर है, अगर आपको इस तरह का चाहिए तो आप ट्राई जरूर कीजिए। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे लगता है जो अंडर 200 रुपीज है, जो मैं हाईली रिकमेंड करना पसंद करूंगी गाइस, वो भी है न्यू परचेज ही थी ये मेरी, ये है ब्लू हेवन की ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन स्टिक। अगर आप टीनेजर हैं, अगर आपको लगता है कि यार आपको बहुत एक्सपेंसिव वाली फाउंडेशंस नहीं लेनी है, कंसीलर्स नहीं लेनी है, आपको बस डेली कुछ भी लगाने के लिए हल्का सा कुछ चाहिए लेकिन बहुत अफोर्डेबल कैटेगरी में चाहिए, तो आप हाईली मैं रिकमेंड करूंगी आप इसको ट्राई करके देखिए। ये स्टिक फॉर्म में आता है, बहुत पहले मैंने इस तरह की ओलिविया की एक आती थी स्टिक, मैंने उसको ट्राई किया था, उसका क्वालिटी तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने इसको ट्राई किया। ओ माय गॉड, इसका फॉर्मूला गाइस इतना अच्छा है, बहुत अच्छे से फेस पे ग्लाइड हो जाती है। बस मेक श्योर कि आपका जो फेस है पहले अच्छे से मॉइस्चराइजर वगैरह अच्छे से लगा लीजिएगा, उसके बाद ही आपके फेस पे इतनी अच्छे से ग्लाइड करेगी ना कि आप कहोगे कि वाओ क्या प्रोडक्ट है। और इतनी अफोर्डेबल है, लाइक 200 क्या मुझे लगता है, आई थिंक ये 100 रुपीज के आसपास ही आपको आराम से मिल जाएगी। मेरे पास जो इसमें शेड है वो है क्रेम 201। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास 3 आईलाइनर्स हैं सेम 200 रुपीज के अंडर कैटेगरी में ही गाइस, और वो तीनों के तीनों ही आईलाइनर्स ऐसे आईलाइनर्स हैं जो कि मतलब ऐसे वाले आईलाइनर्स हैं। तो सबसे फर्स्ट गाइस जो आईलाइनर मैं आपको शो करना चाहूंगी वो है ये अफसा हलाल का आईलाइनर, और ये मैंने पर्पल से ना जस्ट ऐसे रैंडम परचेज कर लिया, क्योंकि वहां पे जब आप पर्पल खोलते हो ना उनकी वेबसाइट तो इसमें इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, और इसमें अफसा हलाल के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत बार रिकमेंडेशन में आते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो मुझे अफसा हलाल का ट्राई करना है। मेरे पास अदरवाइज इतना कलेक्शन है मेकअप का कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या नया ट्राई करूं, तो मैंने ये आईलाइनर ले लिया। और मेरे पास एक ग्रीन आईलाइनर था भी नहीं, मेरे पास लैक्मे का पहले था लेकिन वो मैंने सिस्टर को दे दिया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ। और गाइस ओ माय गॉड, इतना बढ़िया क्वालिटी का आईलाइनर है ना, मैं आपको इसका स्वॉच करके दिखाती हूँ। और ये आई थिंक 200 रुपीज के आसपास मुझे आराम से ये मिल गया था, और मैं आपको इसको स्वॉच दिखाती हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल डिफरेंट ग्रीन कलर है लाइक, और लगाया हुआ आईज के ऊपर इतना सुंदर लगता है। और मैंने एक या दो वीडियो में लगाया था और मुझे क्वेश्चंस भी आए थे कि दी आपने कौन सा आईलाइनर लगाया है, ये वो आईलाइनर है गाइज। और ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, आपकी आईज से हिलेगा नहीं, जब तक आप चाहे ऐसे ऐसे कर लोगे ना ये तो भी नहीं हिलेगा, ये इतना बढ़िया क्वालिटी का है और मुझे लगता है आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको ब्लू भी मिलता है और एक ब्लैक भी मिलता है। नेक्स्ट आईलाइनर जो मुझे लगता है कि आपको और अफोर्डेबल कैटेगरी में चाहिए, तो मुझे लगता है आप ये ब्लू हेवन का ट्राई कर सकते हो। ये भी एक अंडररेटेड प्रोडक्ट ही है मुझे लगता है, और मैंने खुद बिना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना बढ़िया आईलाइनर निकलेगा। मतलब इसका जो मस्कारा आता है ना सेम वेरियंट में, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, लेकिन इसका जो आईलाइनर है गाइस बहुत ही अच्छा लग यार, रूटीन में लगाने के लिए आपको। हम मुझे याद है जब मैं कॉलेज जाती थी या स्कूल के टाइम पे भी, इनफैक्ट मुझे कहीं पे फेयरवेल पार्टी होती थी या कहीं पे भी बाहर मार्केट जाना होता था, तो मैं इस तरह के सस्ते आईलाइनर्स ही ढूंढती थी कि मुझे कुछ डेली यूज करने के लिए ऐसे 100-200 रुपीज के आईलाइनर्स मिल जाएं। तो ये गाइस आप ये वाला जरूर ट्राई कीजिए। इसका भी मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा है, जेट ब्लैक है। इसका जो वॉन्ड है, ये ब्रश है, ब्रश एप्लीकेटर मिलता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है और ये मैट फिनिश देता है आपको बिल्कुल ही, और बहुत ही अच्छा जेट ब्लैक है। और गाइस तीसरा जो मैं आपको आईलाइनर बताना चाहती हूँ वो मुझे लगता है आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, वो है मेबलिन का ये कॉलोसल बोल्ड आईलाइनर। ये मेरी न्यू परचेज नहीं थी एक्चुअली, मेरा न्यू मुझे ब्रांड की तरफ से आया था मेबलिन का, और मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, ओ माय गॉड,
मैंने इसको भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. ओह माय गॉड, आई लव इट गाइस. एक तो इसका ब्रश का जो ये जो एप्लीकेटर है बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी फाइन, गुड, एक्सीलेंट क्वालिटी. और जब आप इसको ऐसे यू नो लगाएंगे, एक तो इतना ज्यादा जेट ब्लैक है, ठीक है, आप देख सकते हो ये ब्लू हेवन से भी ज्यादा जेट ब्लैक है, ठीक है. और ये बहुत देर तक टिकता है, ना स्मज होता है ना बज होता है, वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ सब कुछ है. मतलब अगर आपको कुछ अफोर्डेबल कैटेगरी में चाहिए तो मुझे लगता है कि आप ये वाला ट्राई कर सकते हो. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो भी एक हाईलाइटर है. अगर आपको लगता है कि आपको इनसाइट का हाईलाइटर नहीं लेना, आपको पाउडर हाईलाइटर्स अच्छे लगते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी आप ये मार्स का हाईलाइटर ट्राई करके देखो. ओ माय गॉड, इतना अफोर्डेबल है, लाइक 150 रुपए में आपको ये मिल जाएगा. यार ये 200 रुपए तक का भी नहीं है. आप देख सकते हो इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही ज्यादा सुंदर है. कुछ कुछ कलर पॉप का जो वो आते हैं ना प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ कुछ वैसी ही है, कुछ कुछ नहीं काफी हद तक वैसी ही है. और जब आप इसको खोलेंगे इस तरह से तो ये आपको इस तरह का हाईलाइटर मिलेगा. इतना ब्यूटीफुल हाईलाइटर है. इसमें भी आपको 3 से 4 शेड्स मिल जाते हैं. ये वाला जो कलर है ना, आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है. और इसमें मेरे पास जो शेड है ये है #foryou. इट्स अ ब्यूटिफुल हाईलाइटर गाइज. अगर आप मेरी स्किन टोन के हैं, ये वाला हाईलाइटर आप ट्राई कर सकते हो. वेरी वेरी एक्सीलेंट क्वालिटी. और मुझे लगता है मैं शायद इसका एक आधा शेड कुछ और ट्राई करूंगी. मेरे पास उसका वो स्क्वायर वाला भी है मार्स का, वो भी मैं आपको बहुत वीडियोज में बोल चुकी हूँ. यार आप वो एक बार आप मार्स के हाईलाइटर्स ट्राई करके देखो, अमेजिंग. ओके गाइस, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अंडर बजट, वो है NYBae का ये कॉन्टोर स्टिक. आपको याद है मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था, जिस भी वीडियो में ये दिखाया था ना, वो पर्पल वाला वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि दिस इज द बेस्ट कॉन्टोर स्टिक, क्रीम स्टिक अंडर बजट. बजट भी क्या यार, ये तो इतनी अफोर्डेबल है, लाइक आपको 100-200 रुपीज में ये मिल जाएगी. और इतनी बढ़िया है. मेरे पास शेड है टॉफी. ये आपको इस तरह की है तो बिल्कुल नॉर्मल सी पैकेजिंग है, लाइक लिपस्टिक की तरह ही है. और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ना इसका कलर आप देखिए, इसका कलर इतना अच्छा है ना कि मतलब ये ना किसी भी स्किन टोन की है, अगर आप फेयर किसी भी लाइक बहुत डार्क है तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप फेयर या मीडियम स्किन टोन पे हैं तो आप ये वाला शेड ट्राई कर सकते हो. वेरी वेरी क्रीमी ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है. बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, मुझे लगता है आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है आपके लिए 2 concealers, 1 is liquid and 1 is cream concealer. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी गाइस वो है लिक्विड कंसीलर. ये है इनसाइट ब्रांड की ही 2x कवर मास्टर. आराम से आपको 200 रुपीज के अंदर मिल जाएगी. इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, ठीक है. और मेरे पास जो शेड है ये है 04. बहुत ही परफेक्ट शेड है अगर आप मेरी स्किन टोन के हैं तो. और ये गाइस बहुत अच्छी कंसीलर है, मतलब मेबलिन की फिट मी कंसीलर. और अगर आप स्विस ब्यूटी की कंसीलर यूज कर चुके हो तो आपको ये वाली भी एक बार ट्राई करनी चाहिए. बहुत ही अमेजिंग लगी है मुझे इसकी, मतलब बहुत अच्छे से ना ये हाइड कर देती है. अगर थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, कुछ भी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको हाईलाइटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. और ये मेरा शेड है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्वॉच करके दिखा देती हूँ. नेक्स्ट कंसीलर है मेरे पास आपके लिए क्रीम कंसीलर. अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं आपको बोलूँगी आप ये स्टेक वर्की की ले सकते हो. इतनी अफोर्डेबल है, लाइक आपको ये आराम से 100 और 150 रुपीज के आसपास मिल जाएगी. और ये प्रोडक्ट छोटा है लेकिन काफी ज्यादा चल जाता है. तो मेरे पास जो शेड है ना वो है 1903 नंबर है, ठीक है. और ये कुछ इस तरह की है, लेकिन बस इसमें एक ये ड्रॉबैक है कि ये थोड़ी सी इतनी सी बाहर रहती है, लेकिन अगर आप संभाल के रखेंगे तो ये मुझे लगता है काफी अच्छा प्रोडक्ट है. और आप इसको ट्रैवल में भी यूज कर सकते हो और काफी अच्छी है, लाइक अच्छे से आपके यू नो थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स वगैरह अच्छे से हाइड कर देती है. मुझे लगता है ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वैसा वाला प्रोडक्ट है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो. और नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है आपकी आईब्रोज के लिए. मुझे लगता है कि अंडर बजट अगर आपको 200 रुपीज में नहीं समझ आता ना, क्योंकि मैंने देखा कलर बार, लैक्मे या फेसेस कनाडा, इनकी जो आईब्रो पेंसिल्स हैं वो लाइक 600 से 800 रुपीज की कैटेगरी में आती हैं. बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है. इनफैक्ट नायका की भी मैंने देखा है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. तो मैं आपको बोलूंगी आप ये मार्स की ले सकते हो. और इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है, एक तो ये बहुत अफोर्डेबल, लाइक 150 रुपीज के आसपास मिल जाएगी. और एक साइड आपको ये रिट्रैक्टेबल पेंसिल मिल जाती है और दूसरी साइड आपको ये स्पूली मिल जाती है. और क्या चाहिए यार. लेकिन इसमें आपको शेड जो है वो एक ही मिलेगा, बट क्वालिटी इज सो सो गुड.
ऑलराइट गाइस, तो अब इस चीज को लेके जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं कि दिया कोई अफोर्डेबल कैटेगरी में कोई हमें मेकअप सेटिंग स्प्रे बताओ, हमें वो खरीदना है। तो गाइस मैं आपको आज बताऊंगी जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, वेरी वेरी अफोर्डेबल, वेरी गुड क्वालिटी, वो है स्विस ब्यूटी का ये वाला मेकअप फिक्सर स्प्रे। इट्स अमेजिंग गाइस, आप इसको जरूर ट्राई करो। ये तो नाइका अमेजोन सब जगह ही आपको मिल जाएगा, इतना अफोर्डेबल है। लाइक आई थिंक ये 250 रुपीज के आसपास ही कुछ था, 250 रुपीज का था, लेकिन ये अगर आपको पता है स्विस ब्यूटी पे भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स वगैरह चलते ही रहते हैं, तो आप इसको आराम से 200 रुपीज के आसपास परचेज कर सकते हो। इसका स्प्रे बहुत अच्छा है, काफी बहुत ही बढ़िया, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगी मुझे। ब्लू हेवन के स्प्रे से ज्यादा अच्छा ये वाला लगता है, तो मुझे लगता है कि आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 3 लिपस्टिक्स और ये मेरी लास्ट प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तीनों लिपस्टिक जो है वो मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी में आप लोगों के लिए चूज की है अंडर ₹200। एक है लिक्विड लिपस्टिक, एक है क्रेयॉन लिपस्टिक और एक है नॉर्मल क्रीमी मैट लिपस्टिक। तो फर्स्ट लिपस्टिक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है मेरी, ये भी न्यू परचेज ही थी वैसे, ये है ब्लू हेवन की पाउडर मैट। ये न्यू लॉन्च हुई थी, इसी महीने लॉन्च हुई थी और ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसका मैंने अलग से रिव्यू भी किया था, नहीं चेक किया है तो आप चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूड शेड्स दिखाए थे, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, जैसे आजकल सबको अच्छे लगते हैं ये शेड न्यूड कैटेगरी वाले, वो मैंने सारे शेड्स दिखाए थे। तो आप ये वाला उसका रिव्यू देखिएगा। और अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूँ ना, तो गाइज ये मतलब क्रीमी मैट फॉर्मूला है, इट्स नॉट पाउडर वाला, पाउडर मैट टाइप्स नहीं है, ये क्रीमी मैट है, आपके लिप्स के ऊपर आराम से 5 से 6 घंटे रहेगी। अगर आप ऑयली वगैरह खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट होता है, लेकिन हल्का सा रह भी जाता है। लाइक अच्छा लिपस्टिक है, लाइक 150 रुपीज के हिसाब से आपको बहुत ही बढ़िया लिपस्टिक मिल रही है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट लिपस्टिक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है लिक्विड लिपस्टिक, और आपको पता है कि आई डोंट लाइक लिक्विड लिपस्टिक, मैं बहुत ही कम लगाना पसंद करती हूँ, मुझे ज्यादा क्रीमी सॉफ्ट कंफर्टेबल लिपस्टिक्स अच्छी लगती है। लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद आ जाती हैं और अगर वो अफोर्डेबल हो तो मतलब यू नो सोने पे सुहागा, ऐसी बात हो जाती है। तो लिपस्टिक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है इनसाइड ब्रांड की लिक्विड लिपस्टिक। इतनी अमेजिंग लिपस्टिक है, इतने अफोर्डेबल कैटेगरी में, मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। मेरे पास यहाँ पे शेड सिर्फ एक ही है 04, बट ये इतना प्यारा शेड है, मतलब पूरा गर्ली शेड है, जैसे आजकल लड़कियों को अच्छे लगते हैं पिंकी न्यूडी कलर्स। सबसे पहले मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल पिंक कलर गाइज। अगर आप फेयर या मीडियम स्किन टोन के हैं तो आप ये वाला शेड जरूर ट्राई करो। इसका स्टे गाइज बहुत अच्छा है लिप्स के ऊपर, सबसे बेस्ट पार्ट है ये ना, लिप्स के ऊपर वैसे ड्राई पैच सा नहीं बन जाता, ठीक है, और ना ही ये फ्लेकी टाइप्स की है, बहुत ही अच्छी है, कंफर्टेबल है, लिप्स के ऊपर बहुत देर तक रहेगी। और आपको पता है कि लिक्विड लिपस्टिक का सिर्फ यही होता है कि अगर आप ऑयली फूड खाते हो तो ये बिल्कुल अच्छे से निकल जाती है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यू नो ऑयली फूड खाएं तो थोड़ा सा ध्यान से खाएं, अदरवाइज लिपस्टिक का क्वालिटी इज अमेजिंग। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ लास्ट लिपस्टिक और ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट भी होने वाला है गाइज, ये है एक क्रेयॉन लिपस्टिक, ठीक है। ये भी ब्रांड मार्स का है और इसकी बहुत ही गुड क्वालिटी है। अगर आप यू नो क्रेयॉन फॉर्म में कोई लिपस्टिक ढूंढ रहे हो जो आपको यू नो अफोर्डेबल कैटेगरी में चाहिए, नहीं तो आपको पता है शुगर की ले लो, आप कलर बार की ले लो या फिर नायका की ले लो, वो 700-800 की कैटेगरी में आती है, लेकिन ये आपको आराम से 200 रुपीज के अंदर अंदर मिल जाएगी। ये लगाने में लेकिन बहुत क्रीमी है, बहुत सॉफ्ट है, एकदम मक्खन की तरह आपके लिप्स के ऊपर लगेगी और बाद में ये बिल्कुल वैसे सेट हो जाती है जैसे आपने कोई लिक्विड लिपस्टिक लगाई हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ यू नो 3 to 4 hours के लिए अगर आपको कोई लिपस्टिक चाहिए और अफोर्डेबल कैटेगरी में चाहिए, क्रेयॉन फॉर्म में चाहिए जो कि स्मूथली ग्लाइड हो, तो मुझे लगता है आप ये वाली लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो मार्स ब्रांड की। इसमें इतने सारे शेड्स आपको मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है आप ये वाला भी एक ट्राई कर सकते हो, वेरी गुड क्वालिटी लिपस्टिक। सो गाइज ये तो था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये तो थे मेरे सुपर अफोर्डेबल एक्सीलेंट क्वालिटी अंडर 200 रुपीज प्रोडक्ट्स, और इन सबके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो क्या करना है आपको, लाइक करना है और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।